इजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट की कमी और बिल्कुल नील है जिनकी, उनको इजोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म काउंट की कमी फिर उसकी मोटिलिटी को लेकर के, उसकी एक्टिविटीज को लेकर के, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी स्पीड को लेकर के, जो मैं कह रहा था कि मनुष्य का जो बीज है वो रोगी हो गया, कमजोर पड़ गया। कपालभाति करने से, और छोटी गोली है यौवनामृत की ना, तो उसको चार चार गोली देनी पड़ती है। कई बार आदमी सोचते हैं चार गोली, अरे चार गोली है कितनी सी, ऊंट की मुंह में जीरे देने से कोई फायदा थोड़ी है, उनको खिलाना पड़ेगा तो कम से कम 150 ग्राम जीरा खिलाना पड़ेगा तो फायदा होगा ना, उसका साइज देख करके। तो चार गोली छोटी छोटी है यौवनामृत की, जिनको जवानी की गलतियों के कारण से, विवाह पूर्व की गलतियों के कारण से, मिसगाइड होने के कारण से शरीर की यौवनांगों में शिथिलता है और गृहस्थी के लायक नहीं बचे, ऐसा वैवाहिक जीवन संतुष्ट नहीं है, तो यौवन गोल्ड, फिर यौवन चूर्ण, और जो क्षतपूर्ति हो करने के लिए गृहस्थ जीवन में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज या मूसली पाक। अब ये पहले घरों में सबको पता होता था कि वैवाहिक जीवन के बाद में तुम्हारे शुक्र का क्षय होता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेशन के लिए तुम अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, यौवन चूर्ण, मूसली पाक, ये सब पहले सबको पता हुआ करता था। आज ताकत की दवाओं के नाम पर आड़ कबाड़ गंदगी खा रहे हैं। तो लय के साथ कपालभाति कीजिए। कपालभाति से मूलाधार चक्र सही होता है। संतति सुधा तो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए उपयोग है। लेडीज के लिए फलघृत, नारिकांति, वटी और शिरप, दशमूल का काढ़ा पी ले सुबह उठती एक बार। शरीर के पूरे शुद्धिकरण के लिए 1 से 2 चम्मच गोधन अर्क, सारे हार्मोनल इंबैलेंस दूर हो जाते हैं। दशमूल का काढ़ा पी लो, गोधन अर्क पी लो। यज्ञ की जो भस्म होती है ना, वो पित्त के प्रशमन से लेकर के, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते हैं। बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए आजकल तो एल्कलाइन वाटर 100-100 रुपए की एक एक बोतल बेचते हैं, एल्कलाइन वाटर। यहां आपको यज्ञ की भस्म के बारे में हमने कई बार बताया कि ये जो यज्ञ है, हवन करने के बाद जब इसकी राख शीतल हो जाती है तो यज्ञ की भस्म 1 चम्मच 1.5 लीटर पानी में डाल दो, Within 10 minutes, रात को डाल करके रख दो, सुबह एकदम नितरा हुआ पानी आपको मिल जाएगा। वो पानी पीने से सैकड़ों रोग दूर हो जाते हैं, बॉडी पूरी एसिडिक से एल्कलाइन हो जाती। बात तो छोटी सी, यज्ञ की भस्म से, ये सामान्य राख से नहीं होता। इसमें जो हवन सामग्रियां डालते हैं, अच्छी अच्छी गाय का घी डालते हैं, उस सब का संस्कार इसी के अंदर रहता है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, ये सब ठीक हो जाते कपालभाति से।